डियर स्टूडेंट, नीट यूजी 2021-22 एकेडमिक सेशन में अगर आप ईएसआई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे आपको आईपी कोटा के थ्रू या फिर स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट मिला है, तो उसके लिए एडमिशन फीस कितना रहने वाला है, आपको एडमिशन फीस कहाँ पे जमा करना है, कैसे जमा करना है, ये सारी चीज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आईपी कोटा के लिए। अगर आपके पास आईपी वार्ड सर्टिफिकेट है और आपको आईपी कोटा के थ्रू कोई भी सीट मिला है, तो उसके लिए आपको जो एडमिशन फीस पे करना पड़ेगा वो टोटल एक साल के लिए 49,000 है। तो इनमें कौन कौन चीज इंक्लूड है मैं आपको एक बार डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले एक नंबर पर है आपका ट्यूशन फीस। आपका ट्यूशन फीस है 24,000 रुपीज। दो नंबर पर है क्वेश्चन डिपोजिट, जो की आपका रिफंडेबल है। तो क्वेश्चन डिपोजिट आपको 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, ये आपको रिफंड हो जाएगा। तीन नंबर पर है आपका हॉस्टल फीस। आपको हॉस्टल फीस के लिए 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा और हॉस्टल के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपीस पे करना पड़ेगा। तो टोटली आपको एक साल के लिए 49,000 रुपीस पे करना पड़ेगा, जिसमें से 15,000 रुपीस आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब आपको देखा जाए तो टोटली 34,000 रुपीस पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा और आपको ये फीस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना पड़ेगा। और आपका वो डिमांड ड्राफ्ट आपको जिस कॉलेज में सीट एलोटेड हुआ है उसके फेवर में होना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आपको सीट ऑल इंडिया या फिर स्टेट कोटा के थ्रू मिला है, तो आपको टोटली एक साल के लिए 1,25,000 रुपीस पे करना पड़ेगा, जिसमें से आपका ट्यूशन फीस है 1,00,000 रुपीस और आपका जो क्वेश्चन डिपॉजिट है वो 5,000 रुपीस है, ये 5,000 रुपीस आपको रिफंड मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर है आपका हॉस्टल फीस, जो की 10,000 रुपया है। और चौथे नंबर पर है आपके हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसके लिए आपको 10,000 रुपीस पे करना पड़ेगा और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये भी आपको रिफंड मिल जाएगा। सो देखा जाए तो टोटली ये जो रिफंडेबल अमाउंट है इसको छोड़कर आपको टोटली एक साल के लिए 1,10,000 रुपीस पे करना पड़ेगा और ये जो फीस है ये भी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपको एलोटेड होगा सीट, उसी कॉलेज में जो ईएसआई का फंड है उसके फेवर में आपका डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। नाउ इन सारे चीज को छोड़ के भी आपको और एक फीस देना पड़ेगा जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए सेम है, वो है आपका एसडब्ल्यूएफ यानी स्टूडेंट वेलफेयर फंड, जिसके लिए आपको 5,000 रुपीस पे करना पड़ेगा और ये भी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना पड़ेगा। और आपको जिस कॉलेज में सीट एलोटेड होगा उस कॉलेज में जो स्टूडेंट वेलफेयर फंड होगा उसके फेवर में आपका डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। तो गाइस, ये था ईएसआई कॉलेज में अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे तो उसका जो फीस का स्ट्रक्चर है। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं।